आइए आपको सुनवाते हैं, जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूँ। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों का आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं होर्स ट्रेडिंग ना हो, क्रीप फ्लोप ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूँ। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्याग पत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हुई था वो सब तमाम चीजें हुई, अब लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए, क्या आपको लगता है? मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा, और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही हैं भाजपा, मंडी को लेकर या बाकी जिलों के। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में उससे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र सभी सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहां पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है, मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहाँ पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया, नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे, और उसके बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का तोड़ा। क्या ओपीएस एक बड़ा इशू रहा आपको लगता है? देखिए, इन सारी चीजों पे हम देखिए, अब हम बिल्कुल तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे, कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ, और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहा देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे और कारण रहे हैं, तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में, और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करें। देखिये, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है, वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है, विधायक है वो, चुन करके आए हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है, और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो कोर्ट में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज्यादा डर है। तो इतने में कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई, अगर होती तो मैं सब तो परिणाम अलग तरह की नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है, गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को,
बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी का शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है, वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना वो उनका कार्य है। सर, उनको कोई हौसला देंगे सर? नहीं, देखिए मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जयराम ठाकुर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जाएंगे। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपूंगा, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। अब से कुछ देर बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। बहुमत कांग्रेस के पास है, अब देखना होगा कांग्रेस कब तक अपने विधायकों को एकजुट रखकर राज्यपाल के पास पहुंचेगी और सरकार बनाने का जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया जाएगा। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात की। उन्होंने जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार किया है और ये कहा है कि जनता ने जो किया है वो हमें स्वीकार है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के और भी जो तमाम आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं खरीद फरोख्त के, उन पर सीएम जयराम ठाकुर ने तमाम बातें कही हैं और अपने पार्टी की तरफ से भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो यह अहम जानकारी, हमने आपको उनका बयान सुनवाया, क्या कुछ कहा उन्होंने। थोड़ी देर में त्यागपत्र जो है वो अपना दे देंगे सीएम पद से और इसके अलावा कांग्रेस जो है वो अब सरकार बनाएगी, उसको लेकर के अब देखना होगा किस तरीके की रूपरेखा कांग्रेस की रहती है। हालांकि कांग्रेस की लगातार बैठकें जारी हैं।